जो मैं फतेह बुलाई तो फतेह बुलाया कह भी गुरु साहब ने सानू एक होस्पिटल अखा का दिता सी जिहड़ा सेवा तो चलाने पर गुरु साहब की वाइब्रेशन आ गई भी इहदा जिहड़ा जिहड़ा बोर्ड है बोर्ड चेंज करो इत्थे लिखो गुरु का लंगर अखा के प्रश्नों का तो दुनिया चो जिथों मर्जी संगत आवे उन्हां दा पूरा इलाज अखा का इत्थे फ्री होना चाहिए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा मिज में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा, गुरु साहब दे अनमोल बचन। जिथों तेरा तेरा दी प्रथा शुरू हुई तो गुरु का लंगर चलना शुरू होया। अज कुछ इसी प्रकार दी एक यूनीक चीज़ असी आप जी नाल शेयर करने वास्ते इत्थे बैठे है। जिहड़ी प्रथा गुरु दे लंगर दी साहिब सच्चे पिता साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने चलाई सी वो अगे चल रही है तो उहदा हुण रूप नवें नवें तरीकों नाल बदल रहा है। मेरे नाल ने 86 वर्षीय सरदार गुरदीप सिंह जी जिहड़े 84 दे दंगियां तो बाद रांची तो पंजाब आके सैटल होए तो इस वक्त चंडीगढ़ विच ने। इन्हां ने एक यूनीक उपराला किया इत्थे आ के, वो सीगा अखां दा लंगर। हाँ जी तुसीं ठीक सुनिया हैगा, अखां दा लंगर। आओ इन्हां कोल ही पुछने हैगे आ कि ये अखां दा लंगर की है ते इन्हां ने कदों शुरू किया ते इहदे बारे सारी डिटेल। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पापा जी तुसी सारे दर्शकों यह दसो कि तुहाडे मन च भाव किस तरह आया, क्योंकि मैनूं यह पता लग्या कि तुसी जिहड़ी सोसायटी शुरू कीती सी इत्थे जिहड़ी चैरिटेबल ट्रस्ट शुरू कीती सी ते उहदे तुसी फाउंडर मैंबर हैगे हो ते तुहाडे नाल होर भी जिहड़े सज्जन मित्र जुड़े हुए ने ते सारयां दे मन विच इह जिहड़ी यूनीक भावना जिहड़ी हैगी, क्योंकि अज तक मैं कदी नहीं सुणिया कि अखां दा भी लंगर हुंदा हैगा। इस तरह होया जी भी करीबन अज तो 25-26 साल पहले की गल है तो अमेरिका च मेरे नैफ्यू हैगा वो आई स्पैशलिस्ट है जी, रेटना का स्पैशलिस्ट है जी। वो बाई चांस आया सी तो इतने एक डॉक्टर हैगा डॉक्टर मिर्चिया, काफ़ी बड़ा मशहूर इतने का डॉक्टर है, वो कंसल्टेशन लिया किसी अपने पेशेंट लिए भी मेरा तुसी देख लो। अच्छा तो उन्होंने कहे तो बाई चांस सबरवाल जी लैके एक मुंडा आ गया भी उन्हें पूछा भी डॉक्टर साहब है भी इस तरह देखने भी आ जाओ। उन्हें देख के क्या भी इनू कैटरेक्ट है गया तो ऑपरेशन होने वाले ठीक हो जाएगा। अच्छा असं डा बाई चांस बैठे उस डॉक्टर ने पूछा भी तुम कर दे कुछ कर देंगे अस क्या असी कास्ट असं दे देंगे जो लगेगा तुम ऑपरेशन का कर दो, क्योंकि वैसे बड़ा महंगा डॉक्टर है अमूमन पर वाकफियत होने करके उन्हें ऑपरेशन किया जी और कामयाब हो गया। अच्छा। उस तो बाद सोचा भी ये अखा एक नियमत हैगी है अखा का ही हॉस्पिटल असं करा जब भी करा जी। फिर असं शुरू किए कैंप लगाने पिंड। अच्छा पिंड ला के असी 34 सैक्टर के गुरुद्वारे च रखने तो डॉक्टर मिर्चिया उन्हें साढ़े न जुड़ गया कहता ठीक है जिन्हें भी तुम लियाओगे मैं ऑपरेशन मैं कर देंगा तो लैस के पैसे असं दे दिया करा। अच्छा मतलब वो मतलब कोई उन्हें कोई अपने मतलब एक पैसा नहीं लिया ऑपरेशन करता तो इस तरह करते करते कैंप लगाने शुरू किए उत्थे आए हॉस्पिटल से प्रॉपर खोलिया डॉक्टर फिर इंप्लाई किया एक नाल असी शुरू किया। अच्छा ते ओ पहले तो असी ओपीडी करते सी दवाइयां दवाइयां दे लिख देनियां डॉक्टर करते हैं तो उस आस्ते आस्ते फिर असी ऑपरेशन शुरू करते ऑपरेशन होने लग पे। हाँ एदा नाम मैं सुनिया गया श्री गुरु ग्रंथ साहब जी सेवा सोसायटी। हाँ जी तो शुरू की थी उस वक्त हॉस्पिटल जो असं रखे वह ना ही चैरिटेबल हॉस्पिटल रखे। अच्छा जी मैं सुनया कि हूँ जोड़ा हॉस्पिटल बनया हुआ है उद्दे अंदर कोई कैश काउंटर नहीं है कोई किसी को तुसी कोई चार्ज नहीं करते बल्कि लोगों उत्थे पहुँचने वास्ते जिन्हों को पैसे नहीं है उन्होंने पैसे भी देंगे। हाँ जी वा के किराया भी ले जाओ आने जाने का किराया देंगे रहने दे बंदोबस्त रखे गुरुद्वार। अच्छा उसके अलावा रेटिना तो भी नाल काम शुरू करता। अच्छा वो भी कंसल्टेशन शुरू हो गई तो अपने इस संस्था नाल किन्ने बंदे जो शुरू देने जुड़े वन जुड़े हुए ने ज्यादा तो साढ़े हाल तो 25-30 तो सी जो सेवा से लगे रहते। अच्छा इस वक्त साढ़े मतलब 6-7 है जो परमानेंट जुड़े बाकी संगत तो बहुत जुड़ी हुई। अच्छा तुसी चार बारी तो तुसी जिक्र किया सबरवाल साहब का। हाँ जी हाँ जी तो सबरवाल साहब कौन ने वो शुरू तो जुड़े हुए ने संस्था शुरू तो सी सेवा का। अच्छा अच्छा शौक नौकरी करदे आ भी अपनी सेवा च लगे रहते। अच्छा ते ओ काफ़ी इनिशिएटिव लेते हैं ते उन्होंने डेडिकेट किया अपने फुल टाइम। अच्छा हाँ जी 24 घंटे लिए हाजिर है जी
भाई साहब जी ने जिक्र किया सबरवाल जी का। सो जिस स्थान के उत्ते हस्पताल बनया हुआ है तो जो चीज़ा इन्होंने दसिया ने वह भी बड़ा इंट्रस्टिंग होएगा देखना, तो आप जी ने दसना कि सबरवाल साहब कौन ने, वो किस तरीके सेवा जुड़े ने, वो हस्पताल किस तरह हस्पताल दिखता है, उस किस तरह लोग आते हैं, तो जिहड़ी उत्थे सेवा भाव नाल जिहड़ा काम चल रहा है लोगों नूं अखां मुफ्त विच उन्हां दी अखां दा इलाज करना। आओ हुण तुहानूं लै के चलने उस स्थान दे उत्ते जिथे कि वह हस्पताल बनया हुआ है, तो तुसीं वी साडे नाल प्रोग्राम देखते रहो तो बने रहो साडे नाल। हुण असीं आप पुजे हैगे आ सैक्टर 18 चंडीगढ़ के अंदर उस स्थान के उत्ते जिन्हों गुरु का लंगर आई हॉस्पिटल के नाँ तो जाणिया जाता है। यह वो स्थान है जिदे बारे मैं कभी सुनिया भी नहीं सी ते सोचा भी नहीं सीगा। इस स्थान के उत्ते जिहड़े भी पेशेंट आते हैं जिन्हों अखां की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, चाहे वह कैटरैक्ट का सर्जरी है या वह रेटिना की सर्जरी हैगी, सब कुछ मुफ्त आता है। गुरु साहब ने जो 13-13 का जिहड़ा लंगर चलाया वो अज इत्थे आके परिवर्तित हो गया अखां दे लंगर विच। इत्थे जिहड़े भी सज्जन जिन्हां नूं किसी भी किस्म की कोई अखां की प्रॉब्लम हुंदी है उन्हां नूं अपने घर तो इत्थे आण जाण दा खर्चा जिहड़ा ट्रांसपोर्टेशन दा है वह भी दिता जांदा है, मुफ्त खाने का लंगर भी इत्थे वरतदा हैगा, ते नाल उन्हां दा इलाज ते दवाइयां सब कुछ मुफ्त दित्तियां जांदियां ने। है ना अपने आप विच यूनीक चीज़। आओ तुहानूं इत्थे दर्शन कराने हैगे आ। इस वक्त करोना दा माहौल है ते सैल्फ डिस्टेंसिंग दा ते सैनिटाइजेशन का पूरा पूरा ख्याल रख के इस स्थान के उत्ते सेवा संभाल की जा रही है। मेरे नाल ने इस वक्त वीर हरजीत सिंह जी सबरवाल जिहड़े कि इस सारे उपराले नूं चला रहे हैं, जिन्हों का जिक्र असी घर भी किया। आओ इन्हां कोल पुछने इस स्थान के बारे में। सैल्फ डिस्टेंसिंग का पूरा पूरा ख्याल रखा गया, मैं मास्क मैं थोड़ी टाइम इससे हटाया है, इससे माफ़ी चाहवागा। वीर जी सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साढ़े दर्शकों को तुसी यह दसो कि यह उपराला तुहाडे मन च आया किस तरह? 8 फरवरी 2018 नूं 34 सैक्टर गुरुद्वारे दे विच शाम नूं कीर्तन दरबार हो रहा सी, ते जदों एक रागी उठ के दूजे रागी ने बैठना सी ते वह रागी लेट हो गए, ते मैनूं प्रबंधक कमेटी कहिंदी वी तुहाडा हॉस्पिटल चलदे नूं तुसी 5-7 मिनट उहदी डिटेल दस दो, असी जिहड़ा टाइम जिहड़ा वो साडा फिल हो जाए। जदों मैं उठाया जदों मैं फतेह बुलाई, उस तो बाद पता नहीं कि गुरु नानक साहब की कि खेड एक गुरु साहब ने करती मेरी रसना दे बह के, मैनू खुद नूं नहीं पता मैं की बोल गया। मैं स्टार्ट ही जदों मैं फतेह बुलाई तो फतेह बुलाते कह भी गुरु साहब ने सानू एक हॉस्पिटल अखा का दिता सी जिहड़ा सेवा तो चलाने, पर गुरु साहब की वाइब्रेशनस आ गई भी इहदा जिहड़ा जिहड़ा बोर्ड है बोर्ड चेंज करो, इत्थे लिखो गुरु का लंगर अखां दे प्रश्नों का, तो दुनिया चो जिथों मर्जी संगत आवे उन्हां दा पूरा इलाज अखां दा इत्थे फ्री होना चाहिए, इत्थे कैश काउंटर नहीं होना चाहिए। इस तो अलावा जिन्नी संगत तुहाडे कोल आए उन्हां दा लंगर पानी का भी रहण दी व्यवस्था तुसीं करनी है। उस तो बाद गुरु साहब ने एक बड़ी प्यारी चीज़ जिहड़ी गुरु साहब ने सानू एक साडे मूहों आप कढवाई भी दुनिया च मेरे बड़े बच्चे ने जिहड़े गरीब बड़े जिन्हां कोल किराया भी नहीं है, कहिंदे वो जिहड़े भी बच्चे आण ते तुसीं उन्हां नूं किराया भी आण जाण दा देणा। अगले दिन ये वीडियो साडी वायरल होई और विदिन 4 आवर्स पूरे वर्ल्ड दे एक एक पंजाबी एक एक सिख दे घर दे विच चली गई। साडे सारे फोन नंबर सारे लैंडलाइन नंबर सारे जाम हो गए। चौथे दिन इत्थे बाहर सड़क ते 1-1 हज़ार संगत आनी शुरू हो गई। साढ़े अजे अरेजमेंट भी नहीं सी, लंगर की व्यवस्था भी नहीं सी साडे कोल किसी, पर गुरु साहब ने एवे जी खेड खेडी हौली हौली करते सारिया व्यवस्था हो गई। एक टाइम आया कि सवेरे 8 बजे तो लैके रात को 6 बजे तक इतने लंगर भी चलते सी। 2000 तो उत्ते बंदा टोटल दिन दे विच इत्थे पहुँचता सी लॉकडाउन तो पहले, जिन्हां दी लंगर की व्यवस्था 250 तो 300 बंदा रोज़ रात साडे कोल रुकते सी। स्टार्ट असी कैटरक सर्जरी तो की, उस तो बाद रैटना जिहदे वास्ते तकरीबन 4 करोड़ का इक्यूपमेंट खाली OPD ते सर्जरी वास्ते चाहिए। गुरु ने भी जी खेड खेडी कि गुरु साहब ने अपने बच्चों दियां ड्यूटियां लाइया, सानू 3 करोड़ दियां मशीनां जिहड़ियां अमेरिका तो
ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਤੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੈਟਨਾ ਦਾ ਟੋਟਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੈਟਨਾ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲੇਜ਼ਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਟੋਟਲ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਰੈਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਦੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਨੀਆ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਤੀ। ਤਕਰੀਬਨ 250 ਕੋਰਨੀਆ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੂਰੇ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ PGI 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਰਨੀਆ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ 250 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਰਨੀਆ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, UP, ਝਾਰਖੰਡ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 25,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈਟਰਿਕ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਟੋਟਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਲੱਸ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਲ ਅਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਟ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫਟੀ ਮੈਜਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੈਠੇ ਨੇ 6-6 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੇਅਰਸ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ OPD ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੇਅਰ ਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ PGI ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ, ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਧੁਆਏ, ਬਿਨਾਂ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਟਨਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ 32 ਸੈਕਟਰ PGI ਅਤੇ 16 ਸੈਕਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਟੋਟਲ ਆਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੰਦ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਡੇਲੀ ਅਸੀਂ 6 ਦਿਨ 25 ਸਰਜਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ, ਹਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦਾ ਹੀ ਸਦਕਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਉਚਾਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਜੀਤਾ ਜਾਗਤਾ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਖਲੋਤੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੱਸਣੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਸੈਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਜਰੀ ਰੂਮ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਫਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦਵਾਈ ਵੀ ਫਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਸ਼ਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਤੀਏ ਦਾ, ਪੁਤਲੀ ਦਾ,
ते जे पर्दे का ऑपरेशन करना हो तो भी इतने फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाते हैं। तो आम तौर पर तकरीबन सवाए के बहुत ही कॉम्प्लीकेटड केस जरा बहर भेजना पे वे इंस्टीट्यूट में तकरीबन सारे केस इतने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हो जाते हैं तो आम तौर पर पेशेंट इतों सैटिस्फाइड जाते हैं। मेरी मम्मी ने भी प्रेशन इधर ही से कराया था, मेरे पा जो जीजा उसने भी करवाया था जी, पर उसने ठीक दिख रहा मेरे जीजा ने भी मम्मी ने भी। चंडीगढ़ गुरुद्वारे में बहुत अच्छी अंक बनती है, बहुत बढ़िया बनती है। चंडीगढ़ पुलिस में मेरे ननद के लड़के अपनी मम्मी पापे के कराई है यहाँ गुरुद्वारे में। यहाँ सभी लोग आते हैं, हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख क्या ईसाई क्या सभी लोग यहाँ आते हैं। यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं नर्स हैं बहुत अच्छे से सभी से प्रेम से बात करते हैं, ता करके वो कहें भी इतने फ्री होंगे सब कुछ। अच्छा जी। नाले बहुत अच्छी सर्जरी होंगी है, कोई पैसा नहीं है, पर सेवा गरीबा की भी है, अपने खाने लंगर सब चलते हैं। सानू पता लगा सी भी इतने ऑपरेशन करते हैं और फ्री करते हैं और बहुत चंगी तरह ना करते हैं, मशीन बहुत वधिया ने इतने ते दवाई फ्री बिल्कुल, ऑपरेशन भी फ्री करते हैं बहुत चंगी तरह। हूँ तो लॉकडाउन करके बड़ी घट भीड़, नहीं तो बहुत ज़्यादा आते पहले पेशेंट। हूँ भी मैं अज मैं तकरीबन 8-9 महीने हो गए ऑपरेशन किए, मैं थोड़ा कई बार घट्टा मिट्टी पै जाता अखा च, तो मैं दुकान आई सी तो फ्री हूँ भी, मैं खाने वाली भी तो पाने वाली भी फ्री दिती है दवाई। सत श्री अकाल, मेरा नाम डॉक्टर शिल्पा है, मैं गुरु का लंगर आई हॉस्पिटल में रेटना कंसल्टेंट हूँ। हम यहाँ पे आई से रिलेटेड सारा ट्रीटमेंट करते हैं। हम ऑन एन एवरेज एवरी मंथ 40-50 रेटना सर्जरीज कर रहे हैं टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। इन सर्जरीज का एवरेज कॉस्ट अगर इवन आप PGI में भी कराएं तो 30-40,000 पड़ता है। हम यहाँ पे टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्जरीज करते हैं। रेटिना का बाकी ट्रीटमेंट जैसे एंटी VGF इंजेक्शंस, अवास्टेंस, लेज़र्स, ये सब भी टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। दिस इज़ अ वेरी यूनिक हॉस्पिटल और मेरे हिसाब से पूरे इंडिया में ऐसा कोई भी हॉस्पिटल नहीं है जहां रेटिना ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। मेडिकल साइंस के बारे में कभी भी 100% कुछ भी नहीं आख्या जा सकता। बीमारी जब लंबी हो जाए या कोई ऑपरेशन इस तरह जरा कि क्रिटिकल होए, डॉक्टर साहब उस वक्त कहते हैं असी जो अपना काम करना असी करता, हुण तुसी रब नूं अरदास करो। यह वाहे दी कला ऐसा स्थान है जिते असी खलोते हैगे हां, जिहदा गुरु साहब आप रख्या करते हैं। इहदा सक्सैस रेट इत्थे दा हॉस्पिटल दे विच ऑपरेशन दा 99.9% हैगा। भाई साहब नाल, सबरवाल साहब नाल, तो होर वीर जे साडे देशवीर जी ने, उन्हों का बेटा इतने है, इन सारे का बहुत बहुत धन्यवाद सानू इस स्थान पर लिया के वास्ते, तो इस स्थान को दिखाने वास्ते। बहुत ही इंस्पायरिंग सीगा वीर जी, तो मैनू पूरी उम्मीद है कि इस संस्था नाल बहुत सारे लोग जुड़न गए, तो जुड़ना भी चाहिए है। इस तरह के संस्थान जिहड़े गुरु के लंगर के रूप में काम करते हैं उत्थे लोग आप ही सहयोग देते हैं। कल्ला ऐसा संस्थान है जिहड़ा किसी को मंगन वास्ते नहीं जाता, पर मैं अपने तौर पर एक अपील करना चाहवागा सारे लोगों नाल, असी पार्टियां ते अपने बच्चों के जन्मदिन ते अपनी मैरिज एनिवर्सरी ते लखा रुपए खर्च करने हैगे आ। इत्थे एक ऑपरेशन की कॉस्ट 1,000 रुपए आती हैगी, क्या असी अपने बच्चे के जन्मदिन ते 5,000 रुपए का भी सहयोग नहीं कर सकते कि 5,000 रुपए के नाल 5 बंदियां नूं अखां की रोशनी मिल जाए? मेरी गल ते गौर जरूर करियो, ते साडे यूट्यूब चैनल के उत्ते इत्थे दा लिंक दिता हुआ है, अगर तुहाडा मन मने तो तुसी अपना सहयोग इत्थे जरूर पायो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।